वेलकम टू माय चैनल द शो मास्टर। आज मैं रिएक्शन करने वाला हूँ वासिम जिया से एक गाने पे जो है पिया रे पिया करके, जो गाना आ चुके ऑलरेडी एक हफ्ता हो चुकी है। और ये गाना जो लॉन्च हुआ है आत्मा म्यूज़िक पे लॉन्च हुआ है, आत्मा म्यूज़िक चैनल पे लॉन्च हुआ है। और इसका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है मैं आपको मेन ओरिजिनल वीडियो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, वहाँ पर आप जाके गाना ओरिजिनली देख सकते हैं और इससे उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सिंगर जो है यासर देसाई ने गाना गाया है, जो रुलादिति ये सॉन्ग का है, रुलादिति में भी उसने गाना गाया हुआ है करण कुंद्रा के इसमें। और यहाँ पे जो म्यूज़िक जो है राशिद खान ने दिया हुआ है। और ये पाँच मिनट 45 मिनट का गाना है, देखते हैं कैसा होने वाला है गाना। 5 मिनट मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, हमने तो अभी लेटेस्ट ने भी गाना देखे वो 2.5 मिनट या 3 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं या 3.5 मिनट में। ये 5 मिनट 45 मिनट का गाना है। गाना का रिएक्शन देने से पहला प्लीज़ आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करना तो आप लोग अपडेट मिलते रहेंगे, और लाइक भी ज़रूर करना। सब्सक्राइब जितना करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादातर लोगों को जल्द से जल्द आसिम रियाज, उमर रियाज या फिर करण कुंद्रा इन लोगों के प्रोजेक्ट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहूँगा। चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट। हे ब्रैड पिट, आदा शर्मा, आसिम रियाज, आदा शर्मा। ब्यूटीफुल लग रही है। अबे ओए, सीनियर को एटीट्यूड दिखाएगा क्या? बोलना। हे आदा, व्हाट हैपेंड? यहाँ ने अपने ब्रांच गए। तो खुद नहीं बोल सकता क्या? रैगिंग होता नहीं क्या कॉलेज में? हे हीरो, गिटार बजा भी लेता है या सिर्फ लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए? ओहो, अब म्यूजिक बज रहा है, गाना भी आएंगे। मैं एक सहरा, तू बारिश है, मुझको बस तेरी ख्वाहिश है। जबरदस्त पिक्चर है इसका, जो वीडियो क्वालिटी है जबरदस्त है, कलर ग्रेडिंग जबरदस्त है। मैं एक सहरा, तू बारिश है, मुझको बस तेरी ख्वाहिश है। छीन चैन मेरा, नूर मुजस्सम तेरा, प्यारे 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 तपिश में आज नमी भर, दिल को सुकून हो हासिल, दिल को सुकून हो हासिल। रिमझिम सा खूब के मौसम, हो जा तू मुझे बेनाज़िर, हो जा तू मुझे प्यारे 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 प्यार
क्लासिकली सॉन्ग है, तुम भी म्यूजिकली सॉन्ग है। ओके तेरे बिना मुझको समेट जरा तू, मुझको समेट जरा तू, कितना अंधेरा है कर दे उजाला था तू, कर दे उजाला था तू, तेरा ही चेहरा आंखों में ठहरा, प्यारे 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 एकदम अलग गाना, एकदम अलग ही गाना देगा, इतना मज़े से देखा, इतना म्यूजिकली गाना है। पहली बात तो मैं कुछ तारीफ करूँगा इस पिक्चर का, कलर ग्रेडिंग, फोटो मतलब सिनेमाटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, क्या कलर ग्रेडिंग, क्या येलो कलर पे वो बाकी का जो स्क्रीन, वो राजा शर्मा का फेस का कलर, अरे व्हाट अ कलर ग्रेडिंग यार, क्या कलर ग्रेडिंग किया पिक्चर में, एकदम मतलब सॉन्ग में जितने भी आसपास का जो जगह जहाँ पे खड़ा होकर क्या गिटार बजाता है, तो वो जगह पीछे का जो था वो गुम्बद जैसा, वो भी कितना कलर ग्रेडिंग अच्छा लग रहा था, जबकि इसमें वाइट वाइट पैचेस थे तो शायद से कितने ख़राब हो सकते, लेकिन उसको कलर ग्रेडिंग करके कितना अच्छा बनाया हुआ है, और जितना भी सॉन्ग प्रभाव जा रहा है सब कलर जबरदस्त, जो भी आसमान दिखाई दे रहा है, मतलब जो भी कलर दिख रहे हैं एकदम जबरदस्त दिख रहे हैं, इतना अच्छा गाना। और गाना भी, गाना की तारीफ करना चाहूँगा, जैसे यासिर जैसा ने गाना एक और बार मुझे बहुत अच्छा लगा, यासिर जैसा का मैंने जैसे उड़ला देती है सॉन्ग भी सुना, वो भी मुझे इतना अच्छा आवाज़ लगा, यहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा आवाज़ लग रहा है, यहाँ से जिसे का गाना और म्यूज़िक, मैंने बीच में कहा भी था म्यूज़िक अच्छा बज रहा है, राशिद खान का म्यूज़िक है एकदम अच्छा बज रहा, स्मूथली अरे क्या बज, एकदम जबरदस्त लगा भाई। आसिम रियाज दिन भर दिन ना ग्रो हो रहा है, जब मैंने पहला एक आसिम रियाज का गाना देखा था बीपर 13 के बाद, जो पहला गाना आया था वो जकीन फर्नांडिस के साथ, मुझे वो सच में पपड़ी जैसा लगा था, जिसको पपड़ी जैसा नचा रहे थे वहाँ, जबकि मैं खुद आसिम रियाज का फ़ैन हो कि मैं मतलब मैं इतना दुख हो गया था, मैं इतना ये हो गया कि मैं पहला गाना ऐसा नहीं देखना चाहता, जैसे कि आसिम रियाज ऐसा मतलब नाचते हुए नजर आए, मैं उसे खुद परफॉर्म करते हुए देखना चाहता, जैसे कि आजकल कर रहा है, आज कर रहा है, वैसा मैं देखना चाहता, जैसे यही सेम चीज़ मैं प्रतीक सहजपाल के जो वीडियोज़ आते हैं उसमें यही कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा बंदा नीचे जैसे हम चाहते वो यहाँ पपेट जैसा नाचते हुए दिखाई दे या गाते हुए दिखाई, मतलब कुछ करते हुए नहीं बस ऐसा यूज़ करते हुए दिखाई दे, हर सिंगर लोग ऐसे करते हैं, जो भी बिग बॉस के फेम आते हैं ना उन लोग को लेते हैं, हर सिंगर लोग अपना अपना गाना बजाते हैं, हाँ मतलब एक मेल सिंगर तो रखो कम से कम, उसको तो बोल दो तुम फीमेल सिंगर आते हो, उस एक प्रतीक सेक्टर को उठाते हैं अपने से डांस करते हैं और अपना ही गाना गा के निकल जाते हैं, तुम अपना व्यूज़ और अपना पैसा कमा के निकल जाते हैं, बट बाकी वो जो बेचारा जो बिग बॉस सिम से निकल के मेहनत करके उन लोग का क्या, ये सीन आसिम रियाज से बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन अभी ईश्वर नहीं होता है, अभी उनके अच्छे अच्छे गाने आते हैं, अच्छे अच्छे खुद से गाए हुए गाना आता है तो अच्छा लगता है, ये चीज़ मैं प्रतीक सतपाल के भी फैंस को कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्रतीक को बोलो कि मेल वर्जन वाले सिंगर के साथ गाना गाने के लिए, मतलब वीडियो बनाने के लिए, फीमेल वर्जन के वाले नहीं, तो ये बहुत अच्छा था, अच्छा लगा और सच में बहुत अच्छा था, और राधा शर्मा इतना खूबसूरत थी,
और ब्यूटीफुल लग रही थी, शॉर्ट हेयर में भी बानवर से बाहर कुछ शेप भी किया था एंड में, वहाँ पे भी अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो दोनों ब्यूटीफुल कपल लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन विद ब्यूटीफुल कपल, कह दो कपल, मस्त लगा, जबरदस्त, धन्यवाद।